हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन दिस इज़ आशू एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फूडी आशू एश तो गाइस आज जो मैं बनाने वाली हूँ जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो वो है नदड़ू की जखनी नदड़ू मींस इसको बोलते हैं कमल ककड़ी भी बोलते हैं तो इसकी जो जखनी बनती है वो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो so मैं आपको बताती हूँ मैंने प्रेपरेशन जो की है ये देखिए आप ये हैं आ, हा, हाफ के हाफ़ के जी जो है ये नदूर लिए हुए हैं मैंने इनको पहले मैंने क्या किया है पानी लिया है उसमें डाली मैंने हल्दी और हल्दी में इनको बस सिर्फ एक मिनट के लिए थोड़ा उबाल किया है तो पहले अच्छे से वॉश किया है इनको फिर इनकी स्किन पील करी तो फिर इसको काटने के बाद उस पानी में मैंने थोड़ा सिर्फ़ एक मिनट के लिए इनको बॉईल किया है तो अभी हम जो है इसके आगे की रेसिपी जो है अभी बनाना स्टार्ट करते हैं इसको आप आप तिले में जाके उसमें बना सकते हैं क्योंकि ये स्लोली कुक होती है लेकिन अभी मैं जो इसको जो बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ डिनर के लिए तो अभी डिनर के लिए तो थोड़ा लेट हो गया तो मैं इसको जो बनाने वाली हूँ वो मैं हूँ बनाने वाली हूँ कुकर में तो आप देखिए साथ में क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है तो इसको थोड़ा सॉफ्ट भी करना है हमने इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ तो चलो तो लीजिए यहाँ पे जो है हमने अपना ऑयल गर्म कर लिए तो इनको हमने क्या करना है फ्राई करना है तो चलो डालते हैं इसको फ्राई करने के लिए आपने इसको फ्राई करते हुए ज़्यादा गोल्डन ब्राउन जो है वो इसको नहीं करना है सिर्फ हल्का सा आपको इसने इसको जो है आपको है भूनना है इसको आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना मसालों में जाएगी दो बड़ी इलायची लौंग कुछ काले मर्च हरी इलायची और दालचीनी अब आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी कमल ककड़ी में कमल ककड़ी में डालने के बाद आप इसको अच्छे से चलाते रहिए ताकि आपका मसाला जो है वो नीचे ना लगे नेक्स्ट जो अब इसमें जाएगा वो होगा हमारा कोटा हुआ लहसुन तो इसको आप अपनी कमल ककड़ी में ऐड कीजिए मैंने ली हैं तीन से चार कलियाँ तो आप अपने स्वाद अनुसार इसको वैसा ले सकते हैं अब जो नेक्स्ट मसाला आगे जाएगा वो डालेंगे हम एक चम्मच सौंफ अच्छे से आप डाल दीजिए और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मसाला इसमें जाएगा वो होगा हमारा धनिया पाउडर तो एक चम्मच जो है वो इसमें जाएगा धनिया पाउडर धनिया पाउडर हमने अच्छे से डाला तो उसके बाद मैंने जो है सोंठ को जो अच्छे से कूट लिया था तो एक चम्मच जो नेक्स्ट हम जो इसमें मसाला डालेंगे तो वो जाएगा हमारा एक चम्मच सोंठ तो एक चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अब हम नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं मैं एक ही डालती हूँ तो अब अच्छे से अपना मसाला जो है आप मिला सकते हैं क्योंकि मिसाल मसाला अब पकने में भी टाइम लगाता है तो आप अच्छे से मला दीजिए इसको और एक से दो मिनट तक इसको धीमी आंच पर जो है आप उसे पकने दीजिए अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे पानी पानी अपने आप जितना गलतियाँ है या जिस हिसाब से आप चाहते हैं उतना डाल सकते हैं मैंने डाला है इसमें एक कप एक डेढ़ कप डाला है इसमें मैंने अपना पानी तो मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने इतना ही डाला आप जितनी आपको जितनी जरूरत हो आप उतना डाल सकते हैं अच्छे से मिलाने के बाद अब आप इसको देख सकते हैं कि ये अच्छे से हो गया है तो अब हम इसको क्या करेंगे तीन से चार सीटी जो है वो हम अपनी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए हमारा नदड़ू तो अभी मैंने जो है ये कुकर में सीटी लगने के बाद मेरे नदड़ू अच्छे से हो गए हैं तो मैंने इसको एक पैन में जो है डाल दिया तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं, मैं फेंटा हुआ दही इसको आहिस्ता आते से आपने ऐड करना है और ऐड करते हुए आपको इसको चलाते रहना है जो आपके लड्डू की सब्जी है चलाना इसलिए क्योंकि अगर आप चलाते रहोगे तो जो दही जो आपका है वो फटेगा नहीं तो आपने क्या करना है इसको जब तक इसको उबाल नहीं आता है, जब तक ये उबलती नहीं है बबल जाना इसको स्टार्ट नहीं होते तो तब तक आपने क्या है इसको कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है तो मैंने अब दही ऐड करने के बाद इसको मैं अब चलाती रहूँगी जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए अभी आप देख सकते हैं कि मुझे इसको हिलाते हुए पाँच से सात मिनट हो गए हैं तो जल्दी इसको जो है वो उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो अभी जो अब उबाल आना इसको स्टार्ट हो गया है तो आप जो है इसको इसकी जो ग्रेवी थिक होने तक आप इसको उबलने देना है इसको आपने अच्छे से तो जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो आप जो है इसको बाकी वाला मसाला आगे आप अपना ऐड कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेवी है वो थिक हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी ऐड करने का करने से इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा अच्छी और टेस्टी ये हो जाएगी तो अगर आप कसूरी मेथी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं पुदीना मुझे जो कसूरी मेथी पसंद है तो मैंने इसमें ऐड करी है कसूरी मेथी तो देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे से अब जो हमारी नदड़ू की जखनी है वो हो गई है तो आप चाहो तो आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं अब वो आपकी अपनी चॉइस ये देखिए आप मेरी जो जखनी है वो रेडी हो चुकी है जितना मुझे ग्रेवी चाहिए था इसमें उतना ही है तो मैं ओके okay गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने के बिना मेरी और वीडियोज़ कैसे आएंगी तो और वीडियोस लाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ओके थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम अपनी न्यू रेसिपी के साथ ओके देन बाय बाय